Arundhati, and today we have with us Ankit Tiwari. Hi, Ankit. Hi. What's up? So is it going to be a cliche thing if I ask you to start the conversation with the song that make you like, you know, kind of? All right. No, it's not cliche. It's a very sweet thing. Let me sing for you, actually. That's going to be awesome. Mujhko hira de de, kasme deva de de, meri duaon ke isharon ko sahare de, dil ko thikane de, naye bahane de, khwabon ki barishon ko मौसम के पैमाने दे, अपने करम की कर अदाएं कर दे, इधर भी तू निगाहें सुन रहा है ना, तू रो रहा हूँ मैं सुन रहा है ना, तू क्यों रो रहा हूँ मैं. Something I want to know, because I was thinking about it, that because a song becomes so larger than life, right? Uske baad aap kuch bhi gaana karo, like abhi Malang ka ek gaana aa raha hai, uske baare mein hum baat karenge, but do you think that somewhere it is kind of a extra pressure, or somewhere people tend to always compare anything that you do with ye sun rahe ho? Do you think? Haan, of course hota hai. Maine kuch cheeze aisi dekhi hui hai ki maine ye gaana kiya, सुन रहा है तू किया, गलियां किया, फिर कुछ और गाने किए, अरे अंकित वैसे गाने कर रहे, कुछ अलग सा करो, अगर कुछ अलग सा किया तो अरे यार वो सुन रहा है तू जैसा कुछ करो, तो ये होता है. ये हमारे ये जो फैंस फ्रेंड्स और जो भी हैं, ये उनका एक तरीका है कहने का, बिकॉज दे लव अस, और उनको और कहीं ना कहीं हमारी भी ड्यूटी है कि यू नो, गाने हम अगर बना रहे हैं वो सुनते हैं, उनकी वजह से हम बनते हैं, तो उनकी उनको भी फुलफिल किया जाए. तो मैं कोशिश करता रहता हूँ, आई मीन एंड मतलब नापसंद के परसेंटेज कम हैं, पसंद के परसेंटेज ज़्यादा हैं, तो मैं कहीं ना कहीं वो कोशिश अच्छी ही रहती है मेरी, पॉजिटिव रहती है. ऑल्सो द थिंग इज, दिस इज समथिंग आई एम सेइंग फ्रॉम माय ऑब्जर्वेशन, दैट यू आर ऑलवेज क्रिएटिंग ओरिजिनल कॉम्पोजिशन, ओरिजिनल म्यूजिकल कॉन्टेंट. यू यूजली डू नॉट डू रिमिक्स, वेयर एज यू नो वी गेट टू हियर सो मेनी रिक्रिएशन एंड सो मेनी रिमिक्स. इज इट ऑन प्रिंसिपल दैट यू प्रेफर टू क्रिएट योर ओन म्यूजिक, और इज इट लाइक पीपल always expect original song as opposed to remix from you? I think mere andar se hi wo cheez nahi aati. Agar main karne jaunga ya chalo yaar ab karte hain yaar, majboori mein karte hain yaar, nahi ho raha hai kuch, yahi karte hain, to mujhse shayad acha na ho ya utna behtar na kar paun jitna behtar koi aur kar sake, kyunki man nahi lagta mera usme, dil nahi lagta. तो ये नहीं होता है कि कुछ क्रिएट किया, ये नहीं होता है कि यार यहाँ से गाना ऐसा मूव हो रहा है, अब यहाँ पे मुझे पहले से पता है वो गाना ऐसे मूव हो रहा है, तो मैं क्या करूँ एज अ कंपोजर. हाँ, तो इसलिए मैंने, हालांकि मैंने गाए हुए हैं रीमेक, एक दो, ज़्यादा नहीं गाया हुआ है, बट हाँ क्रिएट करने में थोड़ा सा दिक्कत होती है. So, do you think as a composer, you will never do any recreation, or नहीं, ऐसा भी नहीं, that's not the right way to express your creativity? ऐसा भी नहीं है कि मैं नहीं करूँगा, बट ऐसी रिक्वायरमेंट, जैसे मैंने किया था तुम बिन टू, जब मैंने किया था तो वो गज़ल रिक्रिएट हुई थी. कोई वो लेकिन बट वो रिलेटेड थी उस फिल्म से, इस फिल्म में रिलेटेड थी, तो वो एक तरीका समझ में आता है कि चलो ज़रूरत है फिल्म को, ये फिल्म का हिस्सा है, ना कि हम लोग अलग से डाल रहे हैं. वो चीज़ अलग है, तो वो तो मैं, वो उसमें बुरी बात नहीं है, उसमें दिल लगता है, क्योंकि वो ज़रूरत की चीज़ है. Right. Yeah. Right. You know, you are collaborating again with Mohit Suri for this Malang. Malang, right? Tell me a little more about the song, and if you can sing the song for me. Of course. Yeah. It's a special song, और ये मेरी हैट्रिक है मोहित के साथ. Yeah. पहली दो फिल्में, of course, आशिकी 2, then एक विलन, this is Malang. And मज़ा आया करके, of course, experience अच्छा रहा. और गाना बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है. यू नो, ये मूवमेंट बहुत इमोशनल होता है कि आपको आपको कॉम्प्लीमेंट मिल रहे हैं कि अंकित वो इतना अच्छा है, अंकित यार ऐसा है, अंकित तुमने ये और ये, वो बहुत अच्छा रहा. तो थैंक्स टू माय टीम, थैंक्स टू लिरिसिस्ट
प्रिंस दुबे, माय इंजीनियर्स, माय प्रोग्रामर डीजे पुकन, एरिक पिल्लई, ऑफ कोर्स आदित्य, दिशा, मोहित, दे आर द हॉटनेस मैन, ऑफ कोर्स भूषण जी, सब, ये इट्स अ टीम, आई थिंक टीम वर्क. तो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा. उसकी दो लाइनें मैं गाता हूँ आपके लिए. अब के गए घर से जो तेरे फिर ना लौट आऊंगा, तू भी मुझे भूल जाना मैं भी भूल जाऊंगा, चलते चलते करता सलाम आखिरी, रब से अब तो मांगूं बस दुआ यही, हम फिर ना मिले कभी, हम फिर ना मिले कभी, हम फिर ना मिले कभी. मैं और मोहित जब काम करते हैं तो फील पे, मूड पे बात करते हैं कि ये ऐसा मूड है, ये वैसा मूड है, स्टोरी लाइन क्या है, कहाँ जा रही है, वो बात की बात आती है. सबसे पहले मूड की बात आती है, क्या किस मूड पे जा रहे हैं. और शायद है केमिस्ट्री ये बैठती अच्छी, हम लोग अच्छा कनेक्ट होते हैं आपस में और रिजल्ट जो आता है वो अच्छा आता है, ऑडियंस को पसंद आता है, लिसनर्स को अच्छा लगता है. सो इसको क्या कहें क्या ना कहें, बट ये तो मुझे नहीं पता, बट ये बहुत पॉजिटिव है हमारे और यू नो मेरे और मोहित का जो भी रिलेशन है. Right, right. How fatherhood has changed you? This is something that I so wanted to ask you because, you know, in last 2 years, a lot of good thing has happened to you, even in your personal life. So yeah, I mean, वो अलग magic है. I mean, मैं अभी यहाँ पे हूँ, मेरा focus उधर ही है, दिमाग में रहता है कि क्या कर रही होगी, भी क्या किया होगा, क्या खाया है, क्या. But she's, I'm blessed कि भट्ट साहब ने मेरी बेटी का नाम रखा, आर्या. और वो मेरे लाइफ में बहुत अच्छे चेंज लेके आई है, मैं ये बोलूँगा. उसने एक और रास्ता दिखाया ज़िंदगी का कि ऐसी भी ज़िंदगी होती है, भी लाइफ होती है. तो आई एम वेरी पॉजिटिव लाइफ को लेके, काम को लेके, पर्सनालिटी को लेके और रिश्तों को लेके. सो द लास्ट थिंग दैट आई वुड लाइक टू नो दैट यू नो बिकॉज़ आफ्टर दिस यू आर आल्सो वर्किंग विद भट्ट साहब अगेन इन सड़क 2, राइट? Tell me, like, when you came to Mumbai, you and your brother came to Mumbai and you were like literally struggling with all the, like, you know, studio with the composition that you guys have created, to now, how do you look at this whole journey so far? Exactly, yahi point hai ki wo office mein jana, vishesh film ke office mein jana aur apna pehla gana sunana, uske baad sadak 2. तो वो एक्सप्रेशन, वो फील ही एकदम दूसरा है. क्योंकि जब मैं गया था तब मैं थोड़ा सा वेट किया था रिसेप्शन पे, बताया था कि सर मुझे मिलना है और मैं उन लोग गाने सुनाना चाहता हूँ. और अब मैं जाता हूँ तो मैंने भट्ट साहब को बोला कि सर ये मेरी अचीवमेंट है कि नीचे से लोग पिक्चर क्लिक करते हैं मेरी साथ में, और लिफ्ट में भी क्लिक होती है, फिर रिसेप्शन में भी क्लिक होती है, तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है. तो मैंने भट्ट साहब को बनाया, मैंने कहा सर देखिए क्या कर दिया आपने मेरी लाइफ में. एक वक्त था कि यहाँ मुझे कोई ऐसा जानता नहीं था, दूसरा वक्त है कि यहाँ पे मुझे सब अभी जानते हैं, थैंक्स टू यू. पीपल आर क्लिकिंग योर पिक्चर्स, ऑफ कोर्स, या अरिजीत सिंह इज योर कंपटीटर समवेयर यू फील एज अ सिंगर? ही इज म्यूजिशियन, ही इज माय फ्रेंड. यार काहे वो ऐसा तो कुछ एक्चुअली नहीं, एक्चुअली ये हाँ ये थोड़ा मीडिया में ऐसा कुछ आ जाता है, बट ही इज डूइंग वेरी गुड, आई मीन एज अ सिंगर. और यू नो मेरा तो मैंने शायद उतना काम भी नहीं किया है जितना अरिजीत ने किया, तो कम उसका सवाल ही पैदा नहीं होता है कंपेयर करने का. और म्यूज़िक में क्या कंपेयर करें, बहुत समुद्र, इतना बड़ा समुद्र है म्यूज़िक, उसमें कंपेयर करना आई डोंट थिंक सो अच्छा होगा. राइट, थैंक यू सो मच फॉर थैंक यू सो मच लवली टॉकिंग टू यू. थैंक यू. दिस इज अरुंधति साइनिंग ऑफ.